इट्स वेरी एक्साइटिंग मेरे लिए. इट वॉज अ ड्रीम फॉर मी टू प्ले अ कॉप ऑन स्क्रीन. मैंने कभी नहीं प्ले किया तो ये पहली बार मुझे मौका मिला यूनिफॉर्म वर्दी पहनने का. मेरे लिए सबसे बड़ा एक एडवांटेज, एक हैप्पीनेस जो मेरी थी इस शो को लेके, वो ये था कि रियल लाइव लोकेशंस पर ही शूट होगा. तो हमारा सारा शूट लाइव लोकेशंस ऑल अक्रॉस मुंबई होता है. वी हैव फिल्म कैमराज, वी हैव फिल्म लाइट्स, वी हैव फिल्म यूनिट्स, वी आर शूटिंग इट लाइक अ फिल्म. कहीं पे हार्डनेस थोड़ा सा 19-20 हो गया तो मैंने खुद को संभालने के लिए उस मशीन पे हाथ रख दिया क्योंकि मैं गिर रहा था. जैसे मैंने हाथ रखा यहाँ की सारी उंगलियाँ कट गई मेरी. गाइज वेलकम टू टेली चस्का एंड आज हमारे साथ हैं निशांत. सो निशांत, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स प्लेजर हैविंग यू अगेन. थैंक यू सो मच. सो नया किरदार है एंड कॉप की एक जब कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं सो कितना मज़ा आ रहा है और कितना थ्रिल लग रहा है? इट्स वेरी एक्साइटिंग मेरे लिए. इट वॉज अ ड्रीम फॉर मी टू प्ले अ कॉप ऑन स्क्रीन. मैंने कभी नहीं प्ले किया तो ये पहली बार मुझे मौका मिला यूनिफॉर्म वर्दी पहनने का तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. ओके, कोई इंस्पिरेशन है या रियल लाइफ में आपने किसी से ऐसे मिले हो लाइक रियल कॉप, आपके फैमिली मेंबर या अराउंड? मेरी फैमिली में कोई कॉप नहीं है. शायद मैं पहला हूँ जिसने वर्दी पहनी है. लेकिन इंस्पिरेशन मैंने ज़रूर ढूंढी. मैंने मेरा टारगेट था कि मैं इस कैरेक्टर को बहुत ही रियलिस्टिक रखूँ, बिल्कुल रियल बैंगन जैसा एक ACP होना चाहिए. तो इसलिए मैंने सिम्बा विम्बा की जगह पे आई स्टार्टेड वॉचिंग फिल्म लाइक सरफरोश, मिस्टर आमिर खान, वन ऑफ द बेस्ट ACPs एवर ही इज प्लेड, गंगा जल के मिस्टर अजय देवगन, ही इज अगेन अ फिनोमिनल परफॉर्मर एंड व्हाट अ कैरेक्टर ही इज प्लेड इन दैट. तो वो मेरी इंस्पिरेशन रही है. ओके, इन मूवीज से तो आपने सीख लिया किस तरह से सारी चीज़ें करना है, बट ऐसा भी है कि आपके शो में रियल लोकेशंस पर भी कई बार शूट करना पड़ता है, तो वो किस तरह का रहता है आपके लिए इस शो की? अच्छा आपने सवाल किया, अभी तक किसी ने पूछा नहीं था मुझे. मेरे लिए सबसे बड़ा एक एडवांटेज, एक हैप्पीनेस जो मेरी थी इस शो को लेके, वो ये था कि रियल लाइव लोकेशंस पर ही शूट होगा. तो हमारा सारा शूट लाइव लोकेशंस ऑल अक्रॉस मुंबई होता है. वी हैव फिल्म कैमराज, वी हैव फिल्म लाइट्स, वी हैव फिल्म यूनिट्स, वी आर शूटिंग इट लाइक अ फिल्म. तो बिल्कुल ही रियलिस्टिक लाइव लोकेशंस, हर बार नए एक्टर्स, नई कहानियाँ. तो ये शो ना मुझे बोर करेगा ना ऑडियंस को बोर करेगा. तो दैट वॉज अ USP दैट आई रियली रियली इन्जॉयड व्हाइल सेइंग यस टू द शो. ओके, तो कई बार बाहर सीन करने की वजह से चोट भी लग जाती है, खुद से स्टंट्स करना पड़ता है, तो आपको कुछ ऐसे इंजरी वगैरह हुई अब तक शूट करते वक्त? मुझे शो में हर दूसरे दिन चोट लगती है. तो मेरा जब एंट्री शूट हो रहा था तो हम लोग भांडुप में एक फैक्ट्री में शूट कर रहे थे, तो मैंने हार्नेस पहना हुआ है और मैं बड़ी बड़ी मशीन होती है ना जो मेटल क्रश करती है, उनके ऊपर से जंप करके जा रहा हूँ. तो हार्नेस पहना हुआ है मैंने. कहीं पे हार्नेस थोड़ा सा 19-20 हो गया तो मैंने खुद को संभालने के लिए उस मशीन पे हाथ रख दिया क्योंकि मैं गिर रहा था. जैसे मैंने हाथ रखा यहाँ की सारी उंगलियाँ कट गई मेरी. ये करीब 1.5 महीने पहले की बात है, अभी हील हो गया है, लेकिन बड़े बड़े यहाँ पे काले वो थे, स्किन उतर गई थी, मतलब पूरा खून हो गया था पूरा. लेकिन अगेन मज़ा आता है, छोटी मोटी चोटें लगती है तो ये लगता है कि आपने आज कुछ बढ़िया काम किया, कुछ मेहनत करी आपने, तो मैं सेटिस्फाइड फील रहता हूँ. ओके, सो रियल कॉप वाली फीलिंग अब आपको आ रही है धीरे धीरे? हाँ, रियल कॉप वाली फीलिंग मुझे आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, यस. ओके, इसके अलावा बात करें पिछले शोज़ की, पिछले कई सारे शोज़ की, ये उससे काफ़ी अलग है. सो निशांत को जिस रूप में हमने देखा है लाइक वाइल प्लेइंग द कैरेक्टर्स, वो अब कॉप प्ले कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाना किस तरीके का रहेगा, इजी या चैलेंजिंग आपके खुद के लिए? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा वो इज अ शो विच वॉज अ डेली सोप. आई वॉज प्लेइंग अ शेफ, अ बिजनेसमैन, अ रेस्टोरेंट ओनर, एक सीरियस मैन. ये एक पुलिस वाले का रोल. ACP मैंने कभी प्ले नहीं करा है. रक्षाबंधन अगेन वॉज अ डेली सोप. आई वॉज प्लेइंग शिवा, देन बिफोर दैट आई वॉज प्लेइंग उमेद इन द शो. ये शो बहुत रियलिस्टिक है जैसे कि मैंने कहा, तो ऑडियंस को ऐसा लगेगा कि आप वेब की कोई फिल्म देख रहे हो TV पे. तो हमने उतना ही रियलिस्टिक रखा है इसको. ओके, एंड दंगल के साथ बैक टू बैक जुड़े हुए हैं आप, सो डू यू फील इट्स योर होम लाइक?
हाँ मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, सिर्फ दंगल के साथ ही नहीं बल्कि बियॉन्ड ड्रीम्स यानी कि मिस्टर यश पटनायक एंड मिसेज ममता पटनायक के साथ भी मैं, दूसरी मेरी इनिंग्स है ये एक ही चैनल पर, तो बहुत अच्छा लगता है, ये समझ में आता है कि ओके दे बिलीव इन मी सो मच, सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव टू फुलफिल, दे हैव बीन काइंड इनफ टू ऑफर मी दिस अपॉर्चुनिटी. अकॉर्डिंग टू सर यश सर, आई एम टेलर मेड फॉर दिस कैरेक्टर. वो कहते हैं मैंने जैसा आयुष्मान सोचा था वो तू है ही, तो इसलिए मैंने चाहा कि तू ये करे शो मुझे. सो या आई फील गुड, इट फील्स लाइक अ फैमिली नाउ एंड आई एम वे मोर कम्फर्टेबल बिकॉज आई एम डूइंग अ सेकंड शो विद द सेम चैनल. सो द होल वाइब, द होल कनेक्शन, द होल रिलेशनशिप्स आर रियली फेमिलियर नाउ, एक फैमिली जैसी फील आती है. ओके, ऑफ स्क्रीन बॉन्ड की बात करें तो सारे को एक्टर्स के साथ कितना अच्छा एंड कितना मज़ा आ रहा है आपको, बिकॉज सबकी अलग अलग सुपर पावर है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि कॉप होते तो उनकी कुछ ना कुछ सुपर पावर होती है. सो सुपर पावर गलत टर्म होगा, एक टैलेंट होता है, सबका एक अलग टैलेंट होता है. तो हाँ, सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे अलग हैं, कोई इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट है, कोई रिसर्च एक्सपर्ट है, कोई सर्वेलेंस एक्सपर्ट है, मैं एक्शन एक्सपर्ट हूँ, मैं एक्शन और दिमाग में बहुत तेज़ हूँ, मैं सीधा मारता हूँ. पहले मेरी टैगलाइन है कि पहले एक्शन फिर सेक्शन, तो मतलब ही इज़ अ आउट एंड आउट एंग्री यंग मैन जिसका टारगेट है टू बी द मोस्ट ऑनेस्ट ऑफिसर पॉसिबल. दैट्स द डिफरेंस. ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग सबकी बहुत अच्छी है, वी आर ऑल फ्रेंड्स, वी ऑल चिल, वी ऑल हैव फन एंड एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं सीन्स में हम लोग, एंड देर इज़ नो ईगो थैंक गॉड एंड नो इनसिक्योरिटी टिल नाउ. ओके, लास्टली फैंस एंड व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या नए प्रोजेक्ट्स आने वाले, ये भी अगर आप बता दें तो. सभी फैंस को, सभी व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने मुझे जितना प्यार गुड्डन में दिया, जितना प्यार आपने मुझे रक्षाबंधन में दिया, उससे ज़्यादा प्यार कंट्रोल रूम में दीजिएगा, क्योंकि इसमें सच में बहुत ज़्यादा मेहनत है, उन शोज से बहुत ज़्यादा चोटें खाता हूँ मैं आपके लिए, तो बस आपके प्यार के लिए कर रहा हूँ सब कुछ, तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा. थैंक यू, इट वॉज फन हैविंग.